ये देख लो दोस्तों, सुबह सुबह मम्मी आज भी बरबट्टी तोड़ कर ला रही है। आज दोस्तों हम लोग के पास फिर से बरबट्टी सब्जी बनेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जोहार। तो गैच अभी सुबह का 6 बज रहा है और दोस्तों मैं अभी उठ रहा हूँ और दोस्तों पापा बोल रहे हैं कि आज भी हम लोग फिर से हल चलाएंगे। तो दोस्तों मुझे जाना होगा फिर से आज दोस्तों छोटा घर के पास। तो चलो दोस्तों मैं चेहरा वगैरह धो लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं जाता हूँ। तो दोस्तों क्या पता है आप सभी लोगों को कि मम्मी कहाँ पर बरबत्ती तोड़ रही थी? तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हम लोग 2-4 पौधा यहाँ पे लगाए हैं और यही का दोस्तों मम्मी बरबत्ती तोड़ रही थी। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा बारी है और यहाँ पर दोस्तों केवल एक ही हम लोग मक्का यहाँ पे लगाए हैं और बहुत ही अच्छा हो रहा है। और दोस्तों इसमें केवल 2 निकलेगा शायद, एक ये रहा और एक इधर ये छोटा रहा। दोस्तों ये रहा चॉकलेट। और अभी दोस्तों हम लोग खेत की ओर जा रहे हैं, तो देख सकते हो 10-12 ठी मैं ले रहा हूँ। दोस्तों अभी हम लोग रास्ते में हैं, खेत की ओर निकल गए हैं। और गैच आज तो जैसे ही हम लोग जा रहे हैं वैसे दोस्तों सूरज निकल आया है। थोड़ा बहुत दोस्तों लेट हो रहा है, 6:30 बज गए इसलिए। और मेरे साथ में है दोस्तों हमारा आदर्श बाबू, यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों यह कल बैल चराया, तो चलो पूछते हैं कि इसको दोस्तों बैल चराना अच्छा लगता है कि स्कूल पढ़ना। तो बाबू तुमको बैल चराना अच्छा लगता है कि स्कूल जाना? स्कूल जाना। हाँ दोस्तों हमारे बाबू को स्कूल जाना, स्कूल पढ़ना अच्छा लगता है। तो चलो दोस्तों खेत की ओर जाते हैं, पापा वहाँ पे हम लोगों को वेट कर रहा होगा। दोस्तों पापा सुबह ही निकल गया और हम लोगों को दोस्तों आराम से आना, बैल लाना बोल के दोस्तों बोला था। और देख सकते हो सूरज निकल आया है और अभी दोस्तों हम लोग ले रहे हैं बैल। दोस्तों मैं खेत की ओर जा रहा था, वैसे ही दोस्तों रास्ते में मिला एक ऑटो, तो चलो दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत बैठ लेते हैं, अभी कोई भी नहीं है। तो गैच ये देख लो मैं बैठ गया, पता नहीं दोस्तों किसका ऑटो है नहीं पता, लेकिन ये देख लो दोस्तों मैं अभी ऑटो वाला बन गया हूँ। और ये देख लो, और यहाँ पे देख सकते हो भैया ने चाबी भी छोड़ दिए हैं, लेकिन दोस्तों मैं नहीं कुछ भी नहीं करूँगा, चलाना नहीं आता है। तो चलो गैच थोड़ा बहुत बैठ लिए, अब हमारा बैल भाग देगा तो जाते हैं। ये देख लो दोस्तों, और पीछे में भी नंबर देख सकते हो। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अपने खेत की ओर और यहां पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये रहे हमारे पप्पा। और गैच मैं हल जुताई नहीं करता हूं, मेरा बैल को दोस्तों मैं बांध दिया हूं उधर और पप्पा हल यहां पे जुताई कर रहा है। और चलो दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों उस दिन मैं टमाटर का बीज लगाया था वह निकल आया है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं टमाटर का बीज लगाया था वह निकल रहा है दोस्तों छोटा छोटा। आप लोग यहाँ पे फोकस करना, ये रहा ये रहा और ये रहा दोस्तों, ये रहा ये रहा, मतलब बहुत सारा अभी निकल रहा है। इधर भी देख सकते हो, धीरे से आप लोग देखना, जूम कर दे रहा हूँ गैज, आप लोग देख सकते हो अभी निकल रहा है, ये रहा है। इधर दोस्तों थोड़ा ज़्यादा निकल रहा है और इधर भी देख सकते हो पूरे और दोस्तों यह निकल रहा है। चलो और 2-4 दिन के बाद देखते हैं दोस्तों कितना बड़ा हो जाएगा। दोस्तों हम लोग सुबह आए और साथ में दोस्तों हम लोग कपड़ा लत्ता साबुन तेल भी पकड़ के आए हैं, क्योंकि दोस्तों अभी बाबू को स्कूल जाना पड़ेगा तो उसके साथ साथ में दोस्तों मैं भी नहा लूँगा क्योंकि वो भी डरता है थोड़ा यार। तो चलो खेत के पास एक बड़ा सा गड्ढा है उसी में हम लोग आज नहाएंगे। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अपने खेत के पास जहाँ पे दोस्तों गड्ढा है, यहाँ पे गैच आप लोग देख सकते हो जेसीबी से हम लोग खुदवाए थे और हम लोग आज इसी में नहाएंगे। और चलो दोस्तों दिखाता हूँ मैं क्या क्या पकड़ के लाया हूँ नहाने का सामान। ये रहा दोस्तों झोला, इसी में हम लोग सामान लेकर आए हैं। चलो देखते हैं, पावर बैंक है साइड में रखते हैं, तेल है दोस्तों बाल में लगाने के लिए, बादाम आंवला केस तेल है, और क्या है और एक तेल है दोस्तों देख सकते हो सरसों आंवला केस तेल ये भी, लेकिन इसको दोस्तों हम लोग हाथ पैर में लगाते हैं, इसको दोस्तों बाल में। और ये रहा दोस्तों कपड़ा धोने वाला मितान साबुन पकड़ के आए हैं, और उधर बाबू नहा रहा है, पूरा नहीं दिखाऊँगा दोस्तों। एक वैसलिन पकड़े हम लोग देख सकते हो बोरोलिन, और ये चॉकलेट खाने के लिए, और नहाने वाला साबुन दोस्तों उधर निकाल चुका है बाबू। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा हिस्ट्री है गैच, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये रहा हमारा खेत। दोस्तों इसमें हर साल हम लोग रोपा लगाते हैं, लेकिन इन साल दोस्तों हमारे क्षेत्र में हमारे एरिया में दोस्तों बारिश दोस्तों बहुत ही लेट आया, 1 महीना दोस्तों पीछे जुलाई में आना था, लेकिन जुलाई अगस्त सितम्बर में दोस्तों बारिश आया। तो हम लोग दोस्तों इसको इन साल हम लोग रोपा नहीं लगाए, डायरेक्ट दोस्तों बुनाई कर दी हैं, तो एकदम अच्छा बड़ा बड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन जितना हो रहा है दोस्तों अच्छा ही हुआ है, इसमें अभी घास वगैरह तो नहीं है, मतलब अच्छा ही है। दोस्तों मेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया गैच, ऐसे दिन नहीं आया था कि दोस्तों मैं पहले नहा लूँगा फिर बरस करूँगा, लेकिन दोस्तों आज अलग हो गया दोस्तों, पहले मैं नहा लिया फिर दोस्तों अभी मैं बरस करूँगा, सोच सकते हो यार।
और गैच हम लोग ना सुबह पापा के साथ हम लोग इधर खेत कुरा जाते हैं, फिर दोस्तों हम लोग घर नहीं जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, केवल आधा किलोमीटर हो जाएगा शायद। हाँ, फिर दोस्तों मम्मी आराम से खाना वगैरह बनाती है, फिर 10:30 बजे खाना ला देती है। फिर दोस्तों इधर आप सभी लोग देख सकते हो, छोटा घर को तो देखे होगा, उसी में दोस्तों हम लोग यहाँ पे खाना खाते हैं। ये रहा दोस्तों हम लोग खेत की ओर छोटा घर बनाए हैं, तो वहीं पे दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ। और ये देख लो नहा के दोस्तों, बाल्टिंग है यहीं पे रखा हुआ था, इसमें साबुन तेल कपड़ा सब धोया हूँ दोस्तों। तो चलो दोस्तों मैं जाता हूँ अपना छोटा घर के पास और कपड़ा सबको मैं सुखा देता हूँ। दोस्तों आज तो मैं अकेला यार गुरगुरा घास काटने के लिए जा रहा हूँ। कल तो संडे था तो बाबू के साथ काट रहे थे, और दोस्तों मम्मी तो अभी तक खाना हम लोगों के लिए नहीं लाई है, क्योंकि अभी 9 बज रहा है दोस्तों। तो देख सकते हो मैं क्या पकड़ के अकेला यार बड़ा मुश्किल वाला काम दे दिए हैं। तो जा रहा हूँ दोस्तों मैं घास काट के आऊँगा। दोस्तों सुबह का अभी 10 बज रहा है और गैच अभी मैं खाऊंगा खाना। और गैच आप सभी लोगों को पता है कि आज हम लोग पास बरबट्टी बना है, तो आप सभी लोगों को मैं क्या सब्जी खा रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ नहीं दिखाऊंगा। दोस्तों मैं हूँ अभी अपने खेत के पास और यहाँ का व्यू देख सकते हो दोस्तों, दूर दूर तक पूरा दोस्तों ग्रीन हरियाली छाया हुआ है। बीच में दोस्तों कोई सा भी पेड़ नहीं है, इसलिए दोस्तों दूर दूर तक अच्छा दिखाई दे रहा है। स्पेशल आप सभी लोग देख सकते हो हरियाली छाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों हम लोग हैं, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं, और छत्तीसगढ़ में तो आप लोगों को पता होगा धान का कटोरा कहते हैं। तो गैच मैं आज प्लानिंग कर रहा हूं दोस्तों देसी मुर्गा काटने का, मारने का, पता नहीं मम्मी लोग क्या बोलते हैं, लेकिन मेरा टारगेट है कि दोस्तों आज शाम के समय चिकन करी बनने का। लेकिन जाके पता करूँगा, मम्मी लोगों को पूछ लूँगा दोस्तों, एक मुर्गी मारूंगा, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद दोस्तों, बॉयलर तो हम लोग खाते हैं लेकिन थोड़ा देसी वाला मुर्गी नहीं मिलता है, तो हम लोग खुद ही दोस्तों पाले हैं, मम्मी लोग पाले हैं। तो घर का एक मुर्गा मारने का टारगेट कर रहा हूँ, जाके दोस्तों मम्मी लोगों को थोड़ा बहुत मना लेता हूँ। आप सभी लोग ब्लॉग्स को कंटिन्यू देखना, क्या होगा दोस्तों पता तो चल जाएगा। दोस्तों अभी मैं घर पहुंचा और दोस्तों मम्मी से मैं पूछा कि मुर्गी मारेंगे कि नहीं, तो दोस्तों मम्मी ने एक साइड न्यूज़ सुनाई है। मम्मी दोस्तों बोल रही है कि हमारे जस्ट पड़ोस वाला गांव में दोस्तों हमारे रिलेशन वाले एक दोस्तों डेथ हो चुका है, तो दोस्तों आज बोल रही है मम्मी कि मुर्गी नहीं मारेंगे। तो दोस्तों हमारा मुर्गी मारना आज का कैंसल हो चुका है, कल दोस्तों देखा जाएगा क्या हो रहा है। लेकिन अपने रिलेशन में ही डेथ हो जाते हैं तो दोस्तों हम लोग चिकन मटन वगैरह नहीं खाते हैं। तो चलो दोस्तों आज कुछ दूसरा ही सब्जी बनेगा, क्या बनेगा वो भी आप सभी लोगों को मैं दिखाऊंगा, लेकिन यह प्लान दोस्तों आज का मेरा कैंसल। दोस्तों मैं अभी मम्मी के साथ डिटेल में बात किया कि जिनका डेथ हो चुका है उनका और हमारा क्या रिश्ता था। तो गैच मम्मी मुझे डिटेल में बताई कि जिनका डेथ हो चुका है दोस्तों उनका और हमारा पापा के ब्रादर लोग थे दोस्तों, और वे लोग भी पहले यहीं पर यही हमारे गाँव में ही रहते थे, लेकिन शादीशुदा हो चुके दोस्तों, फिर वे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर में रहते थे। और गैच वहाँ भी अभी नहीं रहते थे, वे लोग भी दोस्तों बाहर में रहते थे। और कैसे डेथ हुआ तो दोस्तों डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन हॉस्पिटल में डेथ हुआ ऐसे पता चला है। तो गैच वे लोग भी अभी घर ला रहे हैं गाड़ी को, लाश को, तो ऐसे दोस्तों सैड न्यूज अचानक हो जाता है। तो आप सभी लोग भी दोस्तों जो डेथ हो चुके हैं उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन प्रे कर देना, क्योंकि यार हर किसी का एक माँ एक दिन जाना जरूरी होता है इस लाइफ में। आप लोग पता होगा दोस्तों जो जन्म लिया है वे दोस्तों एक माँ एक दिन जरूर ही मर जाता है। तो गैच आप सभी लोग विनती कर देना, प्रार्थना कर देना, प्रे कर देना उनके लिए। तो यही दोस्तों सैड न्यूज था। तो आज हम लोग चिकन नहीं खाएंगे, और अभी दोस्तों वे लोग नहीं पहुँचे हैं और आज उनका दफन नहीं हो पाएगा। अभी तो दोस्तों 5 बज रहा है, कल ही शायद होगा, आज रात को शायद लाएंगे, पहुँचेगा, फिर कल ही दोस्तों दफन होगा शायद। दोस्तों मैं तो नहीं जाऊंगा, पापा लो पापा या मम्मी जाएगी। दोस्तों अभी रात का 9 बज रहा है और गैच मैं खाना वगैरह खा लिया हूं, और दोस्तों आज हमारे पास बना था आलू का भुंजड़ी और दोस्तों दाल। तो गैच आज मुझे थकान सा महसूस लग रहा है, तो जल्दी सोऊंगा दोस्तों मैं, अभी 9 बजे ही सो जाता हूँ, वीडियो एडिट कर लेता हूँ कल के लिए, उसके बाद दोस्तों मैं सोऊंगा। तो यही था दोस्तों आज का छोटा सा ब्लॉग्स, आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो दोस्तों मिलता हूँ कल के ब्लॉग्स में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड नाइट।